ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। रिश्ते दो लोगों के बीच होते हैं शहंशाह। रिश्तों की इस नींव पर संतान की इमारत खड़ी होती है। हमारा और आपका रिश्ता प्रेम का था और सलीम हमारे प्रेम की निशानी। देखा आपने मेरे मुसलमानी, शहजादे सलीम सिर्फ आपकी आंखों के सपने नहीं थे, उन्हें तो पूरे हिंदुस्तान की आंखों का तारा बनना था। मगर इस बार उम्मीद थी हमें कि शेखू बाबा हमारा पैगाम कबूल कर आगरा वापस लौटेंगे, और यह उम्मीद सिर्फ हमें ही नहीं थी, यह उम्मीद सबकी थी। सबके लिए वो 7 साल थे, परंतु हमारे लिए हर एक पल, हर एक महीना वर्षों के समान था। हर दिन मौका पाते ही हम उस खिड़की पर खड़े हो जाते थे जहां से सलीम को जाते हुए देखा था, इसी प्रतीक्षा में कि सलीम एक दिन इसी रास्ते से वापस आएंगे। इन 7 सालों में वो बालक से युवा हो गए होंगे और हमने सिर्फ अपनी कल्पनाओं में उसे बड़े होते देखा था। कैसे दिखते होंगे, कैसे चलते होंगे, कुछ नहीं जानते थे हम, सिवाय इसके कि वो एक कुशल योद्धा बन चुके हैं। आखिरकार आपके बेटे के लिए आपका इंतजार है, अब खत्म हो जाएगा जोधा बेग। इतने सालों में ना जाने कितने ही पैगाम भिजवाए हमने, लेकिन वो नहीं है। कदाचित उनका प्रशिक्षण पूरा नहीं हुआ होगा, इसी वजह से हमने उन पर ज्यादा दबाव नहीं डाला जोधा बेग। एक हमारी दिली ख्वाहिश यही थी कि एक बेहतरीन सिपाही बनने की उनकी तालीम मुकम्मल ना, उसी वजह से हमारे पैगाम पर उनका इनकार हम सहते रहे, वरना किसकी मजाल जो शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के फरमान की मुखालफत कर सके। एक शहंशाह के लिए भले ही गर्व की बात हो, परंतु एक माँ केवल प्रतीक्षा के अतिरिक्त हमारे पास और कुछ भी नहीं था। उनका एक चित्र भी नहीं था जिसे देख सके हम, जिससे हमारा मन भर सके। अब जब आपके बेटे आए ना, तो जी भर कर उन्हें देख लीजिएगा। युद्ध बेगम इस रास्ते से जो गया था वो शहजादे सलीम थे, लेकिन अब जो आएंगे वो हिंदुस्तान के होने वाले शहंशाह होंगे, उससे बिल्कुल अलग जैसे हमने देखा था। राजा मान सिंह हमें इतला करते रहते हैं जोधा बेगम उनकी तरक्की के बारे में। हमें बहुत फख्र है कि हिंदुस्तान को एक ऐसा शहंशाह मिलेगा जिसके बारे में हमने खुद से वादा किया था। बहुत प्रसन्न हो रहे हैं आप, पर एक माँ के दिल से पूछिए, सब कुछ है हमारे पास, शक्ति, पद, सम्मान, ओहदा, जो भी चाहे एक पल में पा सकते हैं, परंतु अपने बेटे की एक भी सूचना पाने के लिए हमें आपका मुंह ताकना पड़ता था। लेकिन हमारे चेहरे से ज्यादा आप इस रास्ते को ताकती हैं। बनिए मत शहंशाह, हमारे साथ साथ आप भी इस झरोखे पर आकर प्रतिदिन अपने बेटे की प्रतीक्षा में पलके बिछाए खड़े रहते थे। नहीं जोधा बेगम, हम अपने बेटे का इंतजार नहीं, हिंदुस्तान के होने वाले शहंशाह का इंतजार करते हैं। उस शहंशाह का जो हमारे बाद हमारे तख्त पर बैठेगा, जो हमारी जगह लेगा, जो हमारा खून होगा, जो हमारी जिम्मेदारियों को संभालेगा, जिसे हिंदुस्तान का हर एक बाशिंदा अपने वालिद, अपने बेटे, अपने भाई की तरह देखेगा, जिसे हमसे ज्यादा दुआएं मिलेंगी, जिससे हमसे ज्यादा उम्मीदें होंगी। आप क्या बनता देखना चाहते हैं सलीम को? एक बेमिसाल सिपाही जो था बेगम, ठीक वैसे ही जैसे हम थे, शेर की तरह ताकतवर, लोमड़ी की तरह होशियार, गिद्ध सी तेज निगाहें,
निशाना, निशाना एकदम अचूक। आक्रमण हुआ है, वो रहा वहां, पकड़ा उसे। तुम ठीक हो? जी हाँ, शुक्रिया शहजादे सलीम। शहजादे सलीम नहीं, सिर्फ सलीम। आज भी हम अपने वालिद का दिया ओहदा अपने नाम के आगे नहीं लगाते। यही है, मारो इन्हें। हृदय जिसमें दिल ना हो। हाँ जो साबिक, ठीक हमारी तरह बेहतर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फतेह की भूख हो। आप सलीम को बेदिल बनाना चाहते हैं? हाँ जो साबिक, हमें याद है जब हम बच्चे थे। गलत जगह निशाना ले रहे हो तुम। जलाल के पास दिल ही नहीं, जिन सूरमाओं के पास दिल होते हैं उनके पास ना तो फतेह होती है ना ही जिंदगी। काश तुमने हमारे जिस्म पर कहीं और वार किया था तो शायद हम तुम्हें मुआफ कर देते, मगर बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी तुमने हमारे दिल पर वार करके। दुनिया में कोई भी चीज टूट कर जुड़ सकती है, मगर ये दिल। सालों पहले हमारे वालिदैन ने इस पर वार करके इसे तोड़ दिया था, तब से बड़ी हिफाजत से रखा है हमने इसे। अब किसी और को वार नहीं करने देंगे। हम उन सिपाहियों में से नहीं हैं
जिनके पास दिल नहीं होता, हम उनमें से हैं जो दिल पर वार सहन नहीं करते। हमने हमारे नाम का खौफ पैदा किया था जोधा बेगम, हमारे दुश्मनों के जहन में, सब में। खोल दो इसकी आंखें और ले जाओ इसका कटा हुआ सर इसके राजा के पास, और कहो कि झांक के देखे इसकी आंखों में, इसकी दाहिनी आंख में जलाल का खौफ दिखेगा और बाई में उसके राजा की बेबसी। जलाल के सामने सर उठाना मतलब सर गंवाना है। ले जाओ इसे, और इसके घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि इतनी आसान मौत मिली इसे। उनसे कहना कि फख्र करें इस पर, उनसे कहना कि ये जंग भले ही हार गया पर लड़ा बखूब, अकेले 12 दुश्मनों को खत्म करके शहीद हुआ है ये। इसके बादशाह से कहना कि इसके कुनबे का ख्याल रखें, इसके बच्चों को इसका चेहरा ना दिखाएं, उन्हें इसकी आंखों में खौफ नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहां खौफ होता है वहां इज्जत खत्म हो जाती है। ले जाओ इसे। हमें यकीन है कि वो बिल्कुल हमारी तरह होगा, हुकूमत करेगा जमीन पर, मुल्क पर, रियासतों पर, और अपने वालदेन का सीना फख्र से चौड़ा कर देगा। आप चाहते क्या हैं? सब कुछ फतेह करने के बाद भी आप कुछ पाना नहीं चाहते? तारीख में जगह बनानी भी है आपको या नहीं? तारीख की किताब में जगह बनाना कौन सी बड़ी बात है, बहुतों ने बनाई, हमारे वालिद ने भी। हम उस किताब में अपनी जगह बनाना चाहते हैं जो जंग की नहीं, जज्बात की कलम से लिखी गई हो। हम जमीनों और मुल्कों पर राज नहीं करना चाहते, हम दिलों पर राज करना चाहते हैं, खासकर उस एक दिल पर जो हमारे लिए धड़कता हो। वैसे एक बात है शहजादे सलीम, आपका जवाब सबको लाजवाब कर देता है। शहजादे सलीम नहीं, सिर्फ सलीम। दिल नहीं था, लेकिन अब तो हमारे पास दिल है ना। और उसी दिल का एक टुकड़ा तो हमारे पास वापस लौट रहा है। लगता है इस बार तो वलीअहद लौट कर ही आएंगे। हाँ सुना है बहुत मोटे हो गए हैं। सच्ची? हाँ, शहजादे दानियाल जैसे बचपन में थे सुना है वैसे ही। इसका मतलब शहंशाह को उनका तख्त बड़ा बनवाना पड़ेगा। तुमने हमारे भाईजान को मोटा कहा? रहम हुजूर, हमने जो सुना उसी के बारे में बात की। तो तुम लोगों के हिसाब से वो वैसे हैं जैसे बचपन में हम हुआ करते थे? नहीं नहीं शहजादे दानियाल, हमने कुछ नहीं कहा, यही बस जुबान कह रहा था कि वलीअहद दिन में ढेर सारी सेवैयां खाते हैं। तो वो तो हम भी खाते हैं, क्या हम मोटे हैं? जाओ, तुम्हारी जान बख्शी हमने, मगर दुआ करना कि भाईजान लौट आए, और अगर नहीं आए तो तुम्हारी अदा। इंसान औलाद पैदा कर सकती है, परंतु उनकी किस्मत लिखना उनके हाथ में नहीं। शहंशाह ने शहजादे को जन्म तो दे दिया, परंतु उनकी सोच और किस्मत वैसी नहीं लिख पाए जैसा वो चाहते थे। सलीम की सोच इतनी अलग होगी उनसे, ये उन्हें भी नहीं मालूम था। सलीम के आने से इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, जो दो रियासतों को एक करता था, लोगों को एक करता था,
मगर अपने ही परिवार को अलग भी करने वाला था। इतिहास की सबसे विचित्र कहानी शुरू होने वाली थी। अब राजा मानसिंह से क्या कहेंगे आप? ये कैसी भूल की आपने शहजादे सलीम? मानसिंह भाई साहब भूल रहे हैं, हम यहाँ शहजादे सलीम नहीं, एक आम सिपाही हैं। जो भी हो सलीम, सिपाही हुए शहजादे, इस प्रकार शत्रु के गढ़ में घुसकर आक्रमण करना बहुत बड़ी भूल है सलीम। मानसिंह भाई साहब, जंग सालों चलती, हजारों सिपाही मारे जाते, क्यों आप खुश नहीं है कि हमने ये जंग इतनी जल्दी खत्म कर दी? और हाँ, हमें पूरी उम्मीद है कि आपके शहंशाह इस बात से काफी खुश होंगे। आप समझते क्यों नहीं है शहजादे, आपके प्राण इस वजह से कई अधिक मूल्यवान हैं। गलत कह रहे हैं मानसिंह भाई साहब, हर सिपाही की जान का मोल एक ही होता है, और हमें खुशी है कि हमने अकेले जाकर सैकड़ों सिपाहियों की जान बचा ली। भाई साहब, अगर इस जंग को आपके तरीके से लड़ते तो वक्त और जान दोनों का ही नुकसान होता, और आपको तो खुश होना चाहिए मानसिंह भाई साहब कि हमने आपके शहंशाह का इतना बड़ा नुकसान बचा लिया। वो आपके पिता हैं सलीम। इस बारे में फिर कभी बात करेंगे भाई साहब, इजाजत दीजिए। ठहरिए शहजादे, शहंशाह का पैगाम आया है। अब आपकी शिक्षा पूरी हुई, उन्होंने आपको वापस बुलाया है। उनका आदेश है कि हमें तुरंत यहां से निकलकर आगरा वापस पहुंचना होगा। फिर एक पैगाम, इन 7 सालों में शहंशाह ने कई बार पैगाम भेजा है, और इस सिपाही ने हर बार उसे वापस भेज दिया। इस बार भी वापस भेज दीजिए, हम वहां नहीं जाएंगे। सुनिए सलीम, इस बार आपको वापस जाना होगा शहजादे, क्योंकि इस बार पैगाम के साथ आपको जो व्यक्ति लेने आया है उसे आप मना नहीं कर सकते। क्या हुआ, आप इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? आपके प्यारे शहंशाह हमें वापस आगरा बुलाना चाहते हैं, मगर हर बार की तरह इस बार भी हम नहीं जाएंगे। फरहान, हमने फैसला कर लिया है कि हम आगरा हरगिज नहीं जाएंगे। दादी जान, आप अपनी दादी जान को सलाम नहीं करो? सलाम दादी जान। ऐसे क्या देख रही हैं दादी जान? लेने दो, 7 साल बाद अपने जिगर के टुकड़े को देख रहे हैं, ठीक से देख लेने दो। हमारे रहते आप अकेले नहीं हैं, हम हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। दादी जान, आपकी आंखें क्यों भराई? क्योंकि परसों पहले हमारे पोते ने हमसे वादा किया था कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमेशा हमारा ख्याल रखेगा, मगर हमने सुना कि आप आगरा वापस नहीं आना चाहते हमारे पास, आप अपनी दादी जान का फरमान कबूल नहीं करना चाहते। आए, यह बैठो हमारे पास। दादी जान, कैसी हैं आप? इतने लायक पोते की दादी जान कैसी हो सकती है? हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा नन्ना नटखट सलीम इतना बाका सजीला नौजवान हो चुका है। आपके वालिदैन को आपको देखकर बेहद फख्र महसूस होगा। जलाल समझते थे कि आपकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है, इसलिए आप आगरा वापस नहीं आ रहे, लेकिन हम जानते हैं इसकी वजह आपकी उनसे नाराजगी है। फिर भी सलीम, आपको आगरा वापस तो आना ही होगा ना, इसीलिए हम खुद आए हैं आपको लेने के लिए। दादी जान, हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन हम वहां लौटकर नहीं जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमें मैदान जंग में कुछ और वक्त देना चाहिए। तो फिर क्या हम ये समझे कि आप अपनी दादी जान के इसरार को इनकार कर रहे हैं? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। दादी जान, बुढ़ापे में सबको लाठी की जरूरत पड़ती है। हमने सोचा था कि हम अपनी लाठी को लेकर वापस जाएंगे, मगर हमें लग रहा है
हमें उसके बगैर ही आगरा लौटना होगा। दादी जान, आप आगरा जरूर जा रही हैं, लेकिन अपनी लाठी के बिना नहीं, हम आपके साथ जाएंगे। सलीम शहंशाह अकबर का जीवन थे, शहंशाह की सोच में सिर्फ सलीम थे, लेकिन सलीम की सोच उनसे अलग थी।